बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड और श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान डबल हेडर होने वाली टीम यहां पर जीतने वाली और कौन सी टीम रहने वाली है फिर से हार के फेरे में, क्या कुछ रहेगी प्लेइंग 11 और क्या रहेगा धर्मशाला के इस पिच का मिजाज, और क्या इंग्लैंड के बॉलर्स इस बार चटका पाएंगे विकेट्स या इंग्लैंड एक और मैच हारने जा रही है। वहीं श्रीलंका साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही तगड़े मार्जिन से हारी थी, क्या वो करेंगे वापसी, इन सब बातों पर करेंगे चर्चा इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, से जल्दी से बात कर लेते हैं आज हेडर की जो कि है इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दो ऐसे मैच जो कि बहुत तगड़े हैं जहां पर इंग्लैंड को अब जीत के अलावा और कुछ चाहिए नहीं, और बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जहां पर इंग्लैंड ऑन पेपर बहुत भारी लगती है, और इंग्लैंड दोस्तों ये मैच उसके लिए बहुत इजी हो सकता है। अगर बाकी टीमों के मुकाबले देखें तो इंग्लैंड चाहेगी कि ये मौका हाथ से नहीं जाए। वहीं बांग्लादेश जिसको बहुत अच्छी शुरुआत मिली है इस वर्ल्ड कप में जहां अफगानिस्तान को उसने 6 विकेट से हराया है, वो चाहेगी कि भैया इंग्लैंड को भी हराया जाए और 2-0 की अपनी लीड बरकरार रखी जाए। वहीं इंग्लैंड जिस तरीके से हार कर आ रही है न्यूजीलैंड के सामने तो थोड़े से चमन करने की बात है। वहीं ये दोनों ही टीमें उतरेंगी धर्मशाला के इस बेहतरीन ग्राउंड में, और यहां पर इंग्लैंड को कुछ ऐसा महसूस होगा कि भैया चलो थोड़ी इंग्लैंड की परिस्थितियों की तरह होगा, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा बॉलर्स को बॉलिंग में। वहीं बांग्लादेश के सामने थोड़ी सी चुनौती होगी क्योंकि इंग्लैंड दोस्तों वैसे तो डिपेंडिंग चैंपियन है और वैसे भी बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर बांग्लादेश के सामने देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में तुम्हें चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले, जो प्लेइंग 11 थी दोनों ही टीमों की वही खेलने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड की वो बेस्ट थी, वो अलग बात है कि वो दिन इंग्लैंड का नहीं था और इंग्लैंड उस दिन हार गई, पर चेंजेस में देखने को नहीं मिलेंगे। भाई बांग्लादेश जीत के आ रही है तो ऑब्वियस है कि कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो बांग्लादेश और इंग्लैंड के इस मैच में जो की प्लेयर्स रहेंगे वो इंग्लैंड की तरफ से रहेंगे बेस्टो और बटलर तो रहने ही वाले हैं। भाई लिविंगस्टोन थोड़ा सा बड़ी बारी कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा होने वाला है, रन बरसाती है पिच, एक बार फिर से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा अगर इंग्लैंड पहले खेलती है। वहीं बांग्लादेश भी चाहेगी कि भैया अगर पहले फंसती है तो कम से कम 280 यहां पर टिकाने पड़ेंगे वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से सकीबुल हसन और मिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करी थी, वहीं बल्लेबाजी भी जबरदस्त करी थी मिराज ने और 50 से जड़ा था, तो बांग्लादेश को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी अपने इस प्लेयर से। और दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इन दोनों ही टीमों के मैच के रिजल्ट की, तो मुझे लगता है दोस्तों बांग्लादेश और इंग्लैंड के मैच में जो भी टीम चेस करने वाली है वो जीतने वाली है, और इस मैच में मेरी जो फेवरेट है वो दोस्तों इंग्लैंड है। आप भी कमेंट के जरूर बताना आपको क्या लगता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे मैच की जो कि है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। बहुत बड़ा मैच है श्रीलंका के लिए क्योंकि पहला मैच वो बहुत ही भयंकर तरीके से और ये कहेंगे बहुत ही बुरी गदर हार कर रही है, जहां 400 से ज्यादा का स्कोर टिका दिया साउथ अफ्रीका ने और वर्ल्ड कप में वो हाईएस्ट हो चुका है। तो भैया बहुत ही बॉलरों की जो है क्या है दोस्तों बॉलरों का क्या बोले कॉन्फिडेंस जो श्रीलंका के बॉलरों का वो थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार पड़ी थी। उस मैच को जल्द से जल्द बुलाना पड़ेगा तभी पाकिस्तान के इस मैच में उनको थोड़ा सा कुछ देखने को मिलेगा, वरना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। भाई पाकिस्तान जो कि भैया पहला मैच जीत के आ रही है, था तो नीदरलैंड के खिलाफ पर उसमें भी थोड़ी सी चुनौतियां देखने को मिली, बल्लेबाजी दोस्तों सिमट गई 286 पे जो कि एक चिंता का सवाल है, जब नीदरलैंड के सामने आप सिमट सकते हैं तो भैया अभी तो बहुत ही तगड़े मैच आने हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा चिंता करने की बात है। वहीं श्रीलंका के लिए दोस्तों बॉलरों ने बहुत ज्यादा रन बढ़ाए थे, वहीं बल्लेबाजी में कुशल मेंडिस ने बहुत अच्छे शॉट दिखाए थे, वैसी उम्मीद करेंगे इस मैच में, कुछ उम्मीद करेंगे कुशल मेंडिस से कि जैसी पारी उन्होंने दिल्ली में खेली थी वैसी पारी वो यहां खेले, पर फर्क इतना होगा कि दिल्ली का ग्राउंड दोस्तों बहुत ही ज्यादा छोटा था पर हैदराबाद का एक ग्राउंड है थोड़ा सा बड़ा वाला है, यहां पर आप डबल ले सकते हैं इजली जो कि दिल्ली में नहीं था और टुक्कर दे छक्का जा रहा था, तो वो देखना पड़ेगा जो भी टीम इसको जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लेगी वो यहां पर जीतने वाली है। वहीं दोस्तों दोनों ही टीमों में चेंजेस आपको बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। हां तीक्ष्णा की वापसी हो सकती है अगर श्रीलंका उस पर चाहे, क्योंकि वो एक बेहतरीन स्पिनर है तो उनका खेलना बनता है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले दोनों ही टीमों में। वहीं हैदराबाद की पिच दोस्तों एक बार फिर से रन बरसाती हुई दिखेगी, अच्छा स्कोर हो सकता है यहां पर बॉलरों के लिए भी ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही खत्म है, यहाँ पे बॉलरों को भी मदद मिलने वाली है, तो उम्मीद करेंगे एक अच्छा मैच देखने को मिले और एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के रिजल्ट की, तो मुझे लगता है दोस्तों कल हैदराबाद में जो भी टीम चेस करने वाली है यहाँ पर भी वही जीतेगी, पर मेरी जो फेवरेट है दोस्तों इस मैच में वो रहेगी श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में थोड़ा सा पोटेंशियल दिखता है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर आपको क्या लगता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।